यानी बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को पहले बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयुक्त जमीन या सीड प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। अपने मान खुद वो यहाँ पर आता है, आपको वो अपना बना बनाया मकान देगा, उसमें आपको बिजनेस करना है और आप अपने आमदनी को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि ज़मीन लेने के लिए बियाडा में बहुत कठिनाई करना पड़ता, लेकिन अब इजीली मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर बियाडा का जितना पहले पाव के तहत था। तो लेकिन इस बार आपको मैं बता दूँ कि उद्यमी योजना के तहत भी शेड निर्माण कराएगा वहाँ पर, बियाडा से कंबाइन किया है कि आपको क्या करेगा कि जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट हैं उसको 3 भाग में डिवाइडेड कर दिया गया है, ए बी सी। एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है सी वाला में, जितने भी आपका ट्रेड सी से आप जाएंगे तो सी से जाएंगे तो आपका बियाडा में अप्लाई करना पड़ेगा, और सी श्रेणी से आपका 1000 वैकेंसी है। हमको लगता है 1000 वैकेंसी आपका ये खाली ही ना चल जाए, खाली क्या चल, तैयो आपका कम से कम इसमें जो, क्योंकि 5000 लोग तो ज़्यादा वैकेंसी इसी पर जाएगा, समझे। क्या हुआ था कि ये बातें आपका उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडिक जो है ट्विटर हैंडल से भी अपनी प्रतिक्रिया दिया हुआ था। तो क्या हुआ था कि निवेशकों को सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। प्रधान सचिव ने अपने ट्विटर पेज पर इन बिंदुओं को शेयर किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। बिहार में उद्योग लगाने का है सही वक्त, सरकार आसानी से देगी जमीन, करना होगा केवल एक काम। कौन सा एक काम करना है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि बजावते के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, बियाडा में यानी बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को पहले बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयुक्त जमीन या सेड प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। आपको मैं बता दूं कि बियाडा जो बिहार में ये एक संस्था है, समझे, जिसके तहत आपको क्या होता है कि सीड निर्माण खुद वो यहाँ पर आता है, आपको वो अपना बना बनाया मकान देगा, उसमें आपको बिजनेस करना है और आप अपने आमदनी को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि ज़मीन लेने के लिए बियाडा में बहुत कठिनाई करना पड़ता, लेकिन अब इजीली मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर बियाडा का जितने भी आपका जो प्लॉट है, प्लॉट भी उसका अभी ज़्यादा मात्रा में है, मुजफ्फरपुर में बन के तैयार है। तो अब जो अवेलेबल है, समझे, सभी जगह अवेलेबल हो गया है, कि कई जगह पहले था कि कोई ज़मीन नहीं देता था बियाडा को, अब ज़मीन जो है कि कोई कमी नहीं है। तो यही पर बात है कि क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि पहले बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयुक्त ज़मीन या शेड प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। जिलों के प्राइम लोकेशन पर सभी साइज के प्लॉट और शेड उपलब्ध हैं, समझे। तो जितने भी आप साइज का आप लिए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लेना चाहिएगा तो उतना आपको आवेदन करना है। आपको सीट अगर वैकेंसी वहाँ पर रहेगा तो जनरली पहले पाव के तहत था, तो लेकिन इस बार आपको मैं बता दूँ कि उद्यमी योजना के तहत भी शेड निर्माण कराएगा वहाँ पर, बियाडा से कंबाइन किया है कि आपको क्या करेगा कि जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट हैं उसको 3 भाग में डिवाइडेड कर दिया गया है, ए बी सी में कर दिया है। इसमें क्या है कि ए में आपका 5000 सीट हैं, इसमें आपका 2000 सीट हैं, और इसमें 1000 सीट हैं, 10000 हैं, 1000 है, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है सी वाला में, जितने भी आपका ट्रेड सी से आप जाएंगे तो सी से जाएंगे तो आपका बियाडा में अप्लाई करना पड़ेगा, और सी श्रेणी से आपका 1000 वैकेंसी है। हमको लगता है 1000 वैकेंसी
आपका ये खाली ही ना चल जाए। खाली क्या चल, तैयो तो आपका कम से कम इसमें जो 1,000 है तो ये इस पर आपका तैयो न तैयो तो तैयो 10,000-7,000 इस पर पड़बे करेगा, समझे। तैयो इधर ठीक है यहाँ पर, लेकिन इधर जो है अब 2,000 में यहू में कम रहेगा, आ यही में कमे लोग भर रहा है, आई में ज़्यादा लोग भर रहा है, आ यही में आई में आई तीन दोनों में कमे लोग भर रहा है। तो हमारा लगता है कि ये तो आपका आई में और खाली ना रह जाए, क्योंकि सोचता है कैसे कि यही में 5,000 सीट है तो आई में डालो, आई में 2,000 है तो आई में कोई नहीं डालता है, तो आई लगे। लेकिन हम कभी कभी जो आपको थोड़ा ट्राई कीजिएगा, 2,000 वाला में भी रिक्सी है लेकिन ये में डाल सकते हैं, क्योंकि 5,000 लोग तो ज़्यादा वैकेंसी इसी पर जाएगा, समझे। क्या हुआ था कि ये बातें आपको उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडिक जो है ट्विटर हैंडल से भी अपनी प्रतिक्रिया दिया हुआ था। तो क्या हुआ था कि निवेशकों को सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। प्रधान सचिव ने अपने ट्विटर पेज पर इन बिंदुओं को शेयर किया है, इसमें खासकर छोटे उद्योग के लिए सीड के बारे में जानकारी दी है कि जो भी छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे कि आपका मुजफ्फरपुर में सीड बनकर तैयार है, उसमें आपको आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तब क्या हुआ कि तस्वीर को सजा किया कि 10,500 स्क्वायर फीट में जगह आवंटित किया जाएगा, बताया गया कि कपड़ा और लेदर के लिए यह आरक्षित रहे, विभाग के अनुसार 15 साल के किराए पर का समझौता करना होगा। जब आप इसमें अप्लीकेबल होंगे, पहले तो आपको अप्लाई करेंगे उद्यमी योजना के तहत, अगर आप सी श्रेणी में सिलेक्ट किया है तो आपको इसमें सुनहरा मौका मिल सकता है। तो क्या है कि आपको क्या कहेगा कि आपका यहाँ पे देखेंगे तो 15 साल के लिए आपका एग्रीमेंट बनेगा, उसमें जो भाड़ा किराया आपका लगेगा स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका बहुत होगा तो 6 रुपया 4 रुपया 8 रुपया मैक्सिमम 8 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका किराया देना पड़ेगा, जो एकदम अच्छा समझे कि उससे ही अपना वो ले रहा है। इसके बाद आपका क्या है कि बिहार के 4 जगहों में प्लग एंड प्ले योजना के तहत तैयार आधारभूत संरचना आवंटन के लिए खोल दिया गया है, इसमें मुजफ्फरपुर में शामिल है। दूसरे भाग में आपका 16,740 स्क्वायर फीट में शेड तैयार है। वही है कि आप शेड के लिए जो है शेड का मतलब क्या था, शेड यानी भवन, जना जो मकान बन के उसमें बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इस तरह शेड के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। प्रधान सचिव ने बताया कि सीड या प्लॉट के लिए बियाडा की वेबसाइट पर सारी जानकारी दिया गया है, आप बियाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करेंगे BIADA बियाडा, समझे, तो ये आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे या प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल दिया, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देखिए कि बियाडा के बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैंने बताया है। ये इतना भाई आपके लिए मैं करता हूँ, थोड़ा लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। झूठों के जो है आते हैं देख के चुबह चुबह चल जाते हैं, तो ये गलती बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, समझे। तो निवेशक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, कपड़ा और लेदर के निवेशों के लिए राहत भी है। अब ऐसे निवेशक बियाडा में जगह लेकर सीधा उत्पादन शुरू कर सकते हैं, इसमें क्या कि बेनिफिट क्या मिलेगा बियाडा से, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका एक बना बनाया मकान मिलेगा, शेड मिलेगा, उसमें आपको बिजनेस करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, मेन पावर जो आदमी का जो खटवाते थे वो आपका बढ़ेगा, समझे। बहुत ऐसा आपका रॉ मटेरियल अगर कहीं से लाने की एकदम ईजिली मिल जाएगा यहाँ पर। ये सब मुजफ्फरपुर बियाडा क्षेत्र में प्लग एंड प्ले मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी प्री फेब्रिकेटेड शेड तैयार किया गया है। तो बता दें क्या है प्लग एंड प्ले शेड मॉडल। प्लग एंड शेड निर्माण का उद्देश्य वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री
नहीं लगा पा रहा है, समझे कि भाई वो उसको मान लेते पैसा अगर रहता तो आराम से जमीन रहता फैक्ट्री हो जाता। तो बियाडा क्या करती है, प्लग एंड सीड मॉडल के आधार पर वो क्या करेगा कि आपका कुछ जो है 15 साल के एग्रीमेंट बनवा देगा। उसके बाद 15 साल के एग्रीमेंट बनवाने के बाद आपका क्या करेगा कि उसमें कुछ रेंट लेगा, 6 रुपये या 70 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेगा। इसके बाद आपका ज़मीन भी देगा, फैक्ट्री भी बनाएगी, सब चीज़ वो करके आपको देगा। इन्हें अब ज़मीन के साथ साथ बिजली भी मिलेगी, आपको ज़मीन भी देगा बिजली भी देगी। उद्यमी उपकरण जितने होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेन पावर साथ आप ला सकते हैं और मशीनरी के लिए प्लग ऑन करें। यहाँ कपड़ा निर्माण, पैकेजिंग मटेरियल आदि छोटे उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST और टिप्स। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे, 2 से 3 दिन में आपका हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे। तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फ़ोनपे गूगल पे है, और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।